देखो भाई, मेरा मानना ये है कि आज के टाइम में आपका स्टोरी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। और बिना स्टोरी कॉन्सेप्ट के आपकी दुनिया पिक्चर क्या आपको देखने भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास एक अच्छी स्टोरी है तो भाई साहब आपको दिल खोल के प्यार देगी जनता। और अगर आपके पास दिल खोल के प्यार होगा तो भाई आपके पास सपोर्ट होगा तो तभी पैसा ही चाहिए। तो आज हम बात करने वाले एक पंजाबी मूवी के बारे में। यार मैं पंजाबी मूवी का रिव्यू पहली बार लेकर आ रहा हूँ और ये मूवी डैम मुझे इमोशनल कर गई, क्योंकि इस मूवी का स्टोरी लाइन कॉन्सेप्ट और भाई साहब अपने बी पराग चचा जिन्होंने अपने गानों से रुला दिया उनका इसमें म्यूजिक है। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही प्यारी मूवी यानी कि मोह मूवी के बारे में और उसका रिव्यू देंगे। और तो आज हम बात करेंगे मोह मूवी के बारे में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सबसे सब्सक्राइब करें। और आगे मैं बताऊंगा इसमें कौन कौन से एक्टर और कौन कौन से डायरेक्टर है और क्या क्या होगा इस मूवी के अंदर। तो गाइस टीजर के पहले शॉट में उसका दोस्त उस लड़की के बारे में सारी डिटेल दे रहा होता है, क्योंकि वो शायद जेल से आया होगा और डिटेल वो सुन रहा होता है। और उस टेक के बाद सरगुन ने इतना अच्छा एक डायलॉग बोलती है, हम वो हैं जो खुदा को भूल गए, तुम मेरी जान किस गुमान में हो। यार कहते हैं ना बिना स्टोरी लाइन के यार मूवी का मजा ही नहीं आता। यार मूवी की जो फील है यानी कि मेन बैकग्राउंड ऑडियो और साथ ही साथ सॉन्ग्स बी पराग ने डायरेक्ट करे हैं और बी पराग ने ही सारा मैनेज करा है। तो यार उसके हिसाब से जो उसने फील डाली है इस चीज में तो यार वो नेक्स्ट लेवल फील डाली है। अगले शॉट पे जब वो जाते हैं तो उसकी पूरी की पूरी लव स्टोरी के बारे में बताते हैं कि वो उस लड़की के साथ कैसे रिलेशनशिप में था और क्या उसकी रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेशंस आती है। और हाल ही फिलहाल मेरे ख्याल से कि नेचुरल चीज बॉलीवुड में एक जो बनावटी कॉन्सेप्ट होता है ना कलर ग्रेडिंग के साथ, यार वो चीज एक नेचुरल चीज मजेदार कि देखने में मजा भी आता है। तो गाइस मूवी खाली मूवी नहीं है, मूवी में काफी कुछ सीखने को भी है। सीखने को कैसे? क्योंकि इस मूवी में आपको क्लियरली ये देखने को मिलेगा कि एक लड़का इमोशनल यानी कि लड़का और लड़की इमोशनली एक दूसरे को प्यार करते हैं और उसके बाद वो जब एक दूसरे से बिछड़ते हैं तो उसके बाद उनका क्या क्या हालात होती है, एक लड़का कितने हद तक गिर सकता है और एक लड़का लड़की कितने हद तक खुद को डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो वो कॉन्सेप्ट भी है कि इससे आप सीख सको, एक लर्निंग पॉइंट भी है। यार मूवी देखने के बाद काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा। और मूवी में जो ऑडियो की वजह से और जो बैकग्राउंड साउंड और डायलॉग्स की वजह से मूवी में एक नेक्स्ट लेवल फील आती है। यार मैं खुद ये मूवी का ट्रेलर कम से कम 5 से 6 बार देखा और उसके बाद आई वॉज लाइक सो इमोशनल। यार लिटरली अपनी लैंग्वेज में देखने के बाद चीज का जो मजा है ना वो कहीं नहीं। चलो अब आपको बताता हूँ कि इसमें एक्ट कौन कौन कर रहा है। मेन लीडिंग रोल पे आपको पता ही सरगुन, फैबुलस एक्टर, साथ में गीत भाई भी जो वो भी फैबुलस एक्टिंग ही करते हैं। हाल ही फिलहाल ही इज अ सिंगर डायरेक्टर एंड लिरिकल आर्टिस्ट एंड डायलॉग राइटर आल्सो, सो ही इज वेरी फैबुलस। और इस मूवी की डायरेक्शन जगदीप पाजी कर रहे हैं, साथ ही इस मूवी की सारे गाने, इस मूवी के सारे गाने के सारे मतलब सारा ही पिटारा है अपना बी पराग चचा ने ले लिया। बी पराग ने बैकग्राउंड म्यूजिक भी करवाया है साथ में इसका बैकग्राउंड सॉन्ग्स। यार सुपर वर्क, यार लिटरली मेरे को बहुत पसंद आया पर्सनली। इमोशनल और इमोशंस क्रिएट करने के लिए एक म्यूजिक सबसे बड़ा जरिया होता है और अगर वो अच्छा है तो मूवी अच्छी है और एब्सोल्युटली मूवी दिल से अटैच्ड है। देखिएगा और बहुत मजा आएगा। यार ट्रेलर देखने के बाद तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, सबने बहुत अच्छा अच्छा काम कर रखा और सबने बहुत ही मेहनत करी है। मैं कह रहा हूँ बॉलीवुड बनावटी प्यार देता है ना तो ये नेचुरल प्यार को कहीं ना कहीं एक्सप्लेनेशन करता है। देखने का नजरिया अलग है, दिखाने का नजरिया अलग है और बहुत सारी चीजें हैं। आगे बहुत सारे टीजर्स का रिव्यू देंगे और जुड़े रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी तक के लिए इतना ही।